हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं निकालने जा रहा हूँ एक क्यूट से बेबी की ड्राइंग, जो कि एक्चुअली मैंने कल रात को ही ड्रॉ कर ली है और बहुत इजी थी, एक दो घंटे में ही बन गई, एक दो घंटे भी नहीं, एक घंटे में ही बन गई। बहुत इजी फोटोग्राफ थी, यहाँ पे आपको दिखा दूँगा मैं, ये वाली फ़ोटोग्राफ थी। एंड जब मैं सोच रहा था कि क्या ड्रॉ करूं, तो मैं मुझे फ़ोटोग्राफ दिखी और मैंने सोचा यही ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि बहुत इजी लगी और क्यूट थी बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे की एक, तो ये मैंने ड्रॉ करने की सोची एंड रात को ही ड्रॉ कर ली, जो कि आपको मैं टाइम लैप्स वीडियो दिखाने वाला हूँ अभी। और बहुत इजी फ़ोटोग्राफ थी, अगर आपको ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पर शो कर दूँगा, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल लिंक होती है गूगल की वगैरह, वो लिंक मुझे मिली नहीं और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ये फ़ोटो ली कहाँ से थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ उसको आप क्रॉप कर सकते हो और क्रॉप करके ड्रॉ कर सकते हो, और ये काफ़ी ईजी फ़ोटोग्राफ है, आपकी भी जल्दी बन जाएगी। और इसमें मैंने सिर्फ ग्रेफाइट का यूज़ किया है और ग्रेफाइट में भी सिर्फ एक ही पेंसिल्स का यूज़ किया है, एक ही ब्रांड की पेंसिल्स का, और वो है टॉम्बो मोनो। टॉम्बो मोनो 100 नहीं, नॉर्मल जो है टॉम्बो मोनो वो वाली पेंसिल्स, और एक ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ किया है और स्टम्प का, दोनों का यूज़ किया है, क्योंकि ऑफकोर्स छोटे बच्चे की थी तो इसीलिए आय वगैरह जो एरिया होते हैं उसमें छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स होती है, तो उसके लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया, क्योंकि ब्लेंडिंग ब्रश का अगर मैं वहाँ पे यूज़ करता तो पूरी ग्रेफाइट फैल जाती। और नीडेबल इरेजर का यूज़ किया मैंने, नॉर्मल इरेजर से ज़्यादा तो नीडेबल इरेजर का यूज़ किया है, और शार्पनर का एक भी बार यूज़ नहीं लगा, और एक टिश्यू पेपर यूज़ किया ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला बच्चे की फ़ोटोग्राफ थी छोटे से, तो बहुत स्मूथ टेक्सचर था, और उसके लिए मुझे लगा, और आगे आप वीडियो में देखोगे कि मैंने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है। और आजकल जो मेरे ड्राइंग वीडियोस होते हैं, जैसे पुष्पा का वगैरह ड्राइंग वीडियो था, वो पूरा 2 घंटे का बना था, उसमें मैंने आउटलाइन इंक्लूड नहीं की थी, अगर आउटलाइन इंक्लूड करता तो वो 2 से भी ऊपर जाता। तो आजकल मुझे वैसे तो टाइम लग रहा है, लेकिन पता नहीं है स्केच बहुत जल्दी हो गया, मैं आपको आउटलाइन इंक्लूड करके बता रहा हूँ 1 घंटा, बाकी वीडियो क्लिप्स जो है इस वाले ड्राइंग की वो तो बहुत छोटी सी है, मतलब 40 मिनट की होगी या आधे घंटे की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की होगी। बाकी मैंने जब कल रात को ड्रॉ किया तो ये मेरे को पता चल गया कि ये जल्दी ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि मैं A4 साइज़ पे आजकल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो जब कर रहा था वैसे छोटे छोटे डिटेल्स मैंने ज़्यादा नहीं किए हैं, तो आप बता देना फिर भी कमेंट्स में कि आपको ड्राइंग कैसी लगी, कहाँ गलती हुई, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपको चीज़ पता चल गई होगी कि ये माइक से रिकॉर्ड हो रहा है मैंने न्यू, जो कि वीडियो मैंने डाल दी है आप देख सकते हो इसकी अनबॉक्सिंग, और ये मैंने अभी हाथ में ऐसे ही पकड़ रखा है, बाकी इसकी क्लिप मैंने लगा दी है, इसको कॉलर पे भी लगा सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी हाथ पे पकड़ रखा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना टाइम लैप्स वीडियो देखने के बाद, कमेंट्स कर देना, और कभी कभी क्या हो रहा है कमेंट सेक्शन जो है मेरा ऑफ हो जा रहा है, तो ऑफ हो ये तो सॉरी उसके लिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, वो तो ऑफ नहीं होता, और टाइम लैप्स वीडियो पूरी देखना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।